नमस्कार दोस्तों, आज 28 जून 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पर हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पर हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa का, वहाँ जाएँ, अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, जहां ये सब जानकारियां आपको दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम है, जहां हम हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे आपके साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, माइंडसेट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और वगैरह डिस्कस करते हैं। तो अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो 9871066337 पर कॉन्टैक्ट करें। ये एक मंथली प्रोग्राम है। अब देखते हैं कि इस वक्त S&P 500 क्या कर रहा है और आज हमारे बाजारों ने किस तरह से एक्ट किया। और यहाँ आप S&P 500 देखें, यहाँ मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे ले जाना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि 5 मिनट की बार बहुत बड़ी बार है, 30-35 पॉइंट की बार थी, 30-35 पॉइंट, और उसके बाद ये वर्टिकली गिरा है। और इस वक्त जो है मेरे हिसाब से S&P 500 जो है कुछ 41 पॉइंट्स डाउन है, मतलब ऊपर 35 था, नीचे 41 है, तो 80 पॉइंट्स ऊपर से गिर चुका है। अब इसके चलते मोरलेस जो आपकी ये ग्रीन बार थी फ्राइडे वाली, ये आधे से ज़्यादा जो है इस डिक्लाइन ने पूरी कर ली है। अगर हम नैसडैक की तरफ देखें तो वहाँ भी इस वक्त 200 पॉइंट्स का डिक्लाइन है, तो ये तो जो है उस फ्राइडे वाली रैली से अब नीचे चल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है और अब इसके चलते पूरा दिन तो डाउ फ्यूचर्स परेशान करता ही है, रात को भी डाउ जो है सोने नहीं देता। तो अगर इसके चलते हम SGX निफ्टी देखें तो SGX निफ्टी इस वक्त 15724 पर है। तो बेसिकली जहाँ से आज शुरू किया था वहीं पहुँच गए, बल्कि उसके नीचे चलना शुरू कर दिया हमने। तो ये जो है हो सकता है कि जो पुल बैक रैली ग्लोबली चल रही थी ये समाप्ति की तरफ हो। अभी कहना जल्दी है, मेरे ख्याल से किसी तरह का सर्किट ब्रेकर हमें देखना चाहिए कि क्या लग सकता है। S&P 500 में अगर फ्राइडे की रैली का जो लो है वो लो है 3821, अगर 3821 के हम नीचे चले जाएं, इस वक्त हम 3860 पे हैं, 40 पॉइंट्स दूर हैं, तो मैं शायद कंक्लूड करूंगा कि हम जो है डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी एक यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट बात थी USD INR, तो हम जो है हम तो वैसे ही थोड़े से कमज़ोर ज़्यादा थे और USD INR जो है वो देखिए 79 पर बंद हुआ। तो इसके इम्प्लीकेशन होने चाहिए, क्योंकि तो आप अगर तेल इंपोर्ट करते हैं, जो भी कुछ इंपोर्ट करते हैं, वो आपको सडनली बड़ा महंगा मिलना शुरू हो जाता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी इकोनॉमी के लिए होंगे और आपको जो है वो बैंक निफ्टी में नज़र आएंगे। ये रियल टाइम फॉरेक्स है, तो ये इसमें अभी ये प्राइसेस आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम ब्रेंट क्रूड देखें
रेड क्रूड ये जो है ये सितंबर फ्यूचर है, अगस्त फ्यूचर जो है वो 117 पे है। ब्रेंट क्रूड पर भी बहुत बढ़िया खबर नहीं है। यूएस 10 ईयर देखें, यूएस 10 ईयर भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 3.2 के आसपास है। ओवरऑल हालात जो हैं कल की ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। पहले आज की ट्रेडिंग की बात करते हैं कि आज क्या हुआ और कैसे बाजार खुले और कैसे बहुत एक इंटरेस्टिंग ओआई में हमें जो है एक्टिविटी नजर आई। अब यहाँ पे मार्केट खुली और सीधा नीचे गई और आप 15713 के आसपास आ गए और यहाँ कहीं 740 के आसपास टोटल वन साइडेड कॉल राइटिंग थी बिल्कुल, और उसकी वजह से ऑब्वियसली पुट कॉल रेशियो आपका नीचे आया। पुट कोई किसी ने लिखा ही नहीं था, तो उसमें बहुत ऑब्वियस बात थी कि यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी थी। तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली जो है, जैसे ही हम 750 के ऊपर गए तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ से मिलनी शुरू होगी और बाय द एंड ऑफ द डे वो शॉर्ट कवरिंग आपको दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर लेट गई। और बीच में जो है डाउ फ्यूचर वगैरह इतने ज़्यादा जो है वोलेटाइल होते हैं कि उसमें जो है टाइमिंग करना एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसमें ये करना चाहिए कि जब भी डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट से ऊपर जाएं तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, और जब वो फिर वापस 100 पॉइंट के नीचे आए तो फिर री एंट्री की कोशिश करें। बट ओवरऑल इस इतने बड़े गैप डाउन की वजह से आप जो है अपसाइड राइड कर सकते थे। बैंक निफ्टी में इतना इजी नहीं था क्योंकि तो बैंक निफ्टी में आज बड़ी ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस थी रुपी की वजह से। वो तो आईटी ने निफ्टी को ऊपर खींच दिया, ये तो बैंक्स तो फ्लैटेस्ट थे। अब दूसरी बात ये है कि कल अगर हम आज के लो के नीचे खुलते हैं, जिसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो ये जो है आपको मेरे हिसाब से कल इस तरह की रैली नहीं होगी। कल आप नीचे जाएंगे और हो सकता है एक ट्रेंडिंग डे आपको मिल जाए। वैसे भी अब तक जितनी भी ये रैली आई है ये काफी नैरो बार्स के चलते आई है। बेसिकली 700 और 900 की रेंज है, तो अगर हम 700 या 900 दोनों में से एक एक तरफ ब्रीच करना शुरू करते हैं तो आपको 200 पॉइंट का इमीडिएट डिक्लाइन बहुत इजीली मिल सकता है। और जिस तरह की ब्रेंट क्रूड और यूएस की एक्टिविटी है, ऐसा हो सकता है कि कल हम 700 को नीचे की तरफ ब्रीच करें। बैंक निफ्टी में भी बहुत ये नैरो रेंज बार आज बनी है और 33,500 के नीचे मेरे हिसाब से 33,000 आना और फिर 32,600 आना कोई ऐसी अचंभा वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपसाइड में बेसिकली अब आपको 33,800 क्रॉस करना पड़ेगा इसी तरह की अपसाइड के लिए। निफ्टी में अब आपको जो है, आपको जो बड़ी बार थी, ये वाली जो बार थी, इसके आप ऊपर बंद नहीं कर पाए। आज भी आपने 15,850 पे बंद किया है और इसका हाई जो है 15,860 है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ऐसा लगता है कि होल्ड कर सकती है। मेरे हिसाब से कल आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही आज का लो टूटे, गैप से टूटे या वैसे टूटे,
आपको शॉर्ट साइड पे पोजीशन बिल्डअप करनी है, और मुझे ये लगता है कि कल एक ट्रेंडिंग डे हमें मिलना चाहिए, और मे बी ऑन द डाउन साइड मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के करेंसी और क्रूड के हालात चल रहे हैं प्लस ग्लोबल मार्केट्स के, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज अब कम लग रही हैं, और क्योंकि हम आज हाई पे बंद हुए हैं तो बहुत से लोग लॉन्ग पोजिशन में ट्रैप होंगे, तो वो जो है उनकी पोजिशंस काटने का भी प्रेशर एड ऑन होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको व्यू समझ में आ गया। कल हम एग्जैक्टली सुबह किस तरह की रणनीति बनानी है उस पर बात करेंगे, क्योंकि तब तक क्लियर हो जाएगा कि बाजार कहाँ खुलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये प्रेजेंटेशन आप तक FivePaisa.com के सौजन्य से आई। होपफुली आपका कल का दिन अच्छा जाए। टेक केयर एंड गुड लक।